गुड आफ्टरनून, दिस इज कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, जिस पे मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ, वो है जी ग्रेजुएट वीजा। जो है इसको पीएसडब्ल्यू भी कहा जाता है, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नाम है जिसको कहेंगे, जिवें कोई बच्चा पैदा होंदा ना, तो जी उहदा एक घर दे विच कोई लोगों नूं एवें मुन्ना कही जांदे ने, काका कही जांदे ने, या कोई ना कोई उहदा नाम पाया होंदा बच्चे का। लेकिन जो असल नाम होता है वो होता है जी, जब बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है तो उन्होंने कहने ने जी ए दा ऑफिशियल नेम है। सो ये जो पीएसडब्ल्यू है, पीएसडब्ल्यू भी मोस्टली हम लोग या सारे लोग जो है वो पीएसडब्ल्यू ही कहते हैं, लेकिन अगर हम इसको ऑफिशियल नेम की बात करेंगे, सो दैट्स कॉल्ड अ ग्रेजुएट वीजा जो है। सो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहले तो मैं आपको ये बताता जाऊं, आज किसी कॉलर की थी, वो एडवाइस के लिए अपॉइंटमेंट थी, तो उनका भी इसी तरह का एक सवाल था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता जाऊं, तो उसके बाद जो है ये ग्रेजुएट वीजा जो है पीएसडब्ल्यू, उसकी तरफ हम आएंगे। सो सवाल था उनका कि जो एक स्टूडेंट है ऑलरेडी, जो यूके में एक स्टूडेंट आया, तो उसके बाद जो है जब उन्होंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर ली, तो उसके बाद जब वो अपना पीएसडब्ल्यू पे चले जाते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जो ले लेते हैं, ग्रेजुएट वीजा जो है वो ले लिया, तो क्या उसके बाद जो है वो दोबारा किसी और लेवल में स्टडी कर सकते हैं या नहीं? क्या वो ग्रेजुएट वीजा होल्डर होते हुए स्टूडेंट के वीजे में कन्वर्ट हो सकते हैं कि नहीं? सो वो कन्फ्यूजन थी जी उनको, तो वो कन्फ्यूजन, तो आई डू होप कि मैंने उनकी कन्फ्यूजन जो है उसको ख़त्म कर दिया। सो उसमें अब मैं ये चाह रहा था कि जितने आप लोग दोस्त देख रहे हैं जी, आपकी भी ये कन्फ्यूजन जो है वो भी मैं ख़त्म कर दूँ अगर आपके माइंड में है। तो आप जब स्टूडेंट होते हैं, तो स्टूडेंट के बाद जो है अगर आप लेवल 7 पढ़ने आए हैं, मास्टर डिग्री करने आए हैं, तो आप उसके बाद अगर पीएचडी या उसकी तरफ हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो तब आप जो है वो एज अ स्टूडेंट से वहां पे जा सकते हैं जी। अच्छा, वो पीएचडी जो है इसका इंग्लिश में जो है उसकी एब्रीविएशन क्या बनती है, वो आप खुद डिक्शनरी जो है वो चेक कीजिएगा। वैसे पीएचडी जिस जमाने में हम स्टूडेंट थे, तो हम पीएचडी जो लोग करते थे, हम उनको कहा करते थे फिरा हुआ दिमाग, पी फॉर फिरा, एच फॉर हुआ, डी फॉर दिमाग, फिरा हुआ दिमाग। वो फलां बंदा पीएचडी कर रहा है जी, वो जी वो बड़ा पढ़ना पैंदा जी, पीएचडी कर रहा है, तो जी उहदा दिमाग हिल गया होना पढ़ पढ़ के, तो फिरा हुआ दिमाग है। सो एनीवे, सो उस पर आप हायर स्टडी के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन वंस आपने जब स्टूडेंट से ग्रेजुएट वीजा के ऊपर आप आ गए, तो अब आप वापस ग्रेजुएट वीजा से स्टूडेंट वीजा के ऊपर कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। ये थी कन्फ्यूजन जी। चलिए अब बैक टू ग्रेजुएट वीजा जो है, ये ग्रेजुएट वीजा जो होता है जी, ये 2 साल का वीजा होता है, 2 ईयर्स वीजा होता है। इसमें ये है जी कि ग्रेजुएट वीजा गिव यू परमिशन टू स्टे इन द यूके फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स जो है आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग अ कोर्स इन द यूके जो है। सो ये जो कन्फ्यूजन वहां पे जो एक और आ रही है ना जी, ये जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप जो है कोर्स फिनिश करने के बाद जो है आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे जा सकते हैं 17 जुलाई 3 बजे के बाद की, ये भी एक कन्फ्यूजन मार्केट में चल रही है, बहुत से लोगों की उस पर डिफरेंट ओपिनियन रही है। मैंने खैर 2-3 वीडियोस उस पर की हैं। सो मेरा उसमें माइंड जो था वो पहले दिन से क्लियर है कि 17 जुलाई 3 बजे के बाद सब वही लोग जो है वो स्किल्ड वर्कर वीजा पे जा सकते हैं, जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं और वो पास हो जाते हैं, तो वो स्किल्ड वर्कर वीजा पे चले जा सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का उसमें ख्याल ये है कि जी वहां पे कहा ये गया है कि व्हेन यू कंप्लीट योर कोर्स, तो व्हेन यू फिनिश योर कोर्स जो है सीयूएस के मुताबिक, तो देन स्टिल यू कैन गो फॉर स्किल्ड वर्कर वीजा। सो मेरे पास अभी इस तरह का केस मैंने नहीं किया जो 17 जुलाई के बाद जो है कोई बंदा फेल हो गया हो और वो स्किल्ड वर्कर वीजा उसने अप्लाई किया और उसको वीजा मिल गया। सो इसलिए ये यहां पे भी ये जो मैं बात ये कर रहा हूं, ये भी होम ऑफिस की अपनी वेबसाइट पे भी मौजूद है, उसमें भी ये लिखा हुआ है, ए ग्रेजुएट वीजा गिव यू परमिशन टू स्टे इन द यूके फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग अ कोर्स इन द यूके। यहां पे भी तो उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीटिंग अ कोर्स इन द यूके कहा है। सक्सेसफुली का मतलब यह है कि कामयाबी से आपने कोर्स को मुकम्मल कर लिया। अब
वो जो स्किल्ड वर्कर वीजा है वहां पे इसी पॉइंट का थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि वहां पे उन्होंने सक्सेसफुली का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, वहां पे उन्होंने इस्तेमाल किया है कंप्लीटिंग अ कोर्स इन द यूके, व्हेन यू हैव फिनिश योर कोर्स यू हैव वन, उन्होंने फिनिश का वर्ड यूज किया, सो दैट्स व्हाई थोड़ा सा हम मार्जिन एज अ वकील ले रहे हैं कि जी के आपने सक्सेसफुली का वर्ड यूज नहीं किया, दैट्स व्हाई जैसे आपने ग्रेजुएट वीजा में सक्सेसफुली का वर्ड यूज किया है कि आप पीएसडब्ल्यू में तभी आप जा सकते हैं जब आप सक्सेसफुली जो है अपनी डिग्री मुकम्मल कर लें, अदरवाइज आप पीएसडब्ल्यू पे नहीं जा सकते। सो आपने स्किल्ड वर्कर वीजा रूट में जो 17 जुलाई को 3 बजे के बाद पाबंदी लगी है वहां पे आपने ये नहीं कहा कि जी के यू कैन ओनली गो इनटू स्किल्ड वर्कर वीजा वंस यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट योर जो है कोर्स जो है, वहां पे आपने सिर्फ ये कहा है कि यू कैन अप्लाई फॉर अ स्किल्ड वर्कर वीजा वंस यू हैव फिनिश योर कोर्स। सो दैट्स वाई जो है उसमें मैं समझता हूं कि मार्जिन है जिनके कोर्स मुकम्मल हो गए हैं शायद उनको स्किल्ड वर्कर वीजा जो है वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये एक दो राय है। सो अभी तक सक्सेसफुल मेरा केस उस पर नहीं हुआ कि जी के आफ्टर फेलिंग योर डिग्री आप फेल हो गए हैं या आपका जो भी इश्यूज हैं लेकिन आपका कोर्स का टाइम मुकम्मल हो गया है और आपका स्किल्ड वर्कर वीजा भी जाए। सो ये आ गया जी। अच्छा, अब उसमें एलिजिबिलिटी आपकी क्या आ जाती है जी के यू कैन अप्लाई फॉर ग्रेजुएट जो है ऑब्वियसली आप इनसाइड दी यूके हैं, आप स्टूडेंट वीजा के ऊपर हैं, आपके पास जो है वह वैलिड वीजा है, आपने अपनी जो स्टडीड इन द यूके बैचलर डिग्री जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और एलिजिबल कोर्स फॉर अ मिनिमम पीरियड फॉर अ टाइम ऑफ द स्टूडेंट वीजा जो था आपने पास कर लिया है जैसे इन्होंने यहां पर सक्सेसफुली कहा है तो देन यू कैन अप्लाई फॉर जो पीएसडब्ल्यू ग्रेजुएट वीजा जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके साथ आपके डिपेंडेंट हैं, आपकी वाइफ है, आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं तो स्टिल दे कैन आल्सो अप्लाई फॉर डिपेंडेंट ग्रेजुएट वीजा जो है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे जी हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे ऑन द बेसिस ऑफ जो ये जो ग्रेजुएट वीजा है, सो यू कैन स्टे अगर आपका ग्रेजुएट लेवल था तो ऑब्वियसली 2 ईयर्स है, इफ यू हैव अ पीएचडी जो है पीएचडी जो एजुकेशन वाली है फिरा हुआ दिमाग नहीं पीएचडी है और डॉक्टरियल क्वालिफिकेशन है सो इट विल बी अ फादर 3 ईयर्स जो है फिर आपको 3 साल का जो है वो ये इसमें आपका स्पॉन्सर कोई नहीं होता जी, इसमें आपको किसी की मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको किसी के पैसे देने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको किसी के थले लगन की तुम्हें लोड नहीं है। सो इसमें जो होम ऑफिस है वो डायरेक्टली जो है आपको एक फ्री तो खाल नहीं है, वो फीस लेते हैं लेकिन वो डायरेक्ट आपको वीजा देते हैं। आई थिंक ये होम ऑफिस की जानब से यूके की ये पॉजिटिव और गुड न्यूज है कि ये बड़ी मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूं कि आप अगर सचमुच पढ़ने आए हैं, आपने एजुकेशन अपनी सक्सेसफुली मुकम्मल की और आप अपना जो इसके ऊपर 2 साल का आपको आसानी से वीजा मिल गया सो फिर उसके बाद जो है आप उसके ऊपर जा सकते हैं। सो यू मे बी एबल टू स्विच डिफरेंट वीजा फॉर एग्जाम्पल स्किल्ड वर्कर वीजा, लेकिन ये ग्रेजुएट वीजे को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, आप 2 साल गुजरने के बाद ये एक्सटेंड नहीं होता है जी, लेकिन आप इस वीजे के बाद जो है आप किसी और वीजा पे जा सकते हैं या जैसे स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर जो है वो आप इसके ऊपर जा सकते हैं जी। इसका जो फैसला आता है जी ये तकरीबन 8 वीक का वो कहते हैं, लेकिन बहुत से केसेज में जल्दी भी आ जाता है, बाज का थोड़ा बहुत वो लेट भी हो जाता है, लेकिन मोस्ट केसेज में इतना टाइम नहीं लेते, वो 2 महीने के अंदर अंदर 2 मंथ्स के अंदर अंदर वो आपका वीजा जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं जी। और इसकी कॉस्ट कितनी आती है जी, सबसे पहला जो है साढ़े जेना दे विच हमेशा कॉस्ट का जो है वो पहला सवाल आता है। सो इसकी जो फीस है जी वो 715 पाउंड है जी, 715 पाउंड जो है वो उसकी फीस होती है जी, जो एप्लीकेशन फीस है जिसको इमिग्रेशन फीस कहा जाता है, और इसके अलावा जो है वो 624 पाउंड जो है वो आपके IHS के चार्जेस हैं, इमिग्रेशन हेल्थ सर चार्ज है। 2 ईयर्स का वीजा है तो ऑब्वियसली 1248 पाउंड हो गया, अगर 3 ईयर्स का है तो फिर उसी के मुताबिक 624 पाउंड पर ईयर के हिसाब से वो आ गया। सो ये फीस आपने पे करनी है जी, और प्लस आपने 715 पाउंड 715 जो है वो इमिग्रेशन, ये सो फार आज के अज का रेट नहीं होता जो सोने का रेट अज की है, अज डॉलर का रेट क्या है, अज पाउंड का रेट क्या है। सो जितने लोग ये देसी यहाँ पे आए होते हैं ना तो रोज ही चेक करते हैं रेट कितने गया है, पैसे भेजने होंगे ना उन्होंने बैक हों, सो वो रेट चेक करते रहते हैं। सो आज के रेट के मुताबिक ये 715 और 624 है जी, ये कल को बढ़ गया तो बंदा जिम्मेदार नहीं है, वो कल की बात करेंगे। अच्छा, व्हाट यू कैन एंड कैन नॉट डू ऑन ग्रेजुएट वीजा की अगर हम बात करें, सो विद अ ग्रेजुएट वीजा यू कैन वर्क इन द मोस्ट जॉब्स
लुक फॉर वर्क, आप जॉब को ढूंढ सकते हैं। बी सेल्फ एम्प्लॉयड जो है ये एक बड़ा जबरदस्त एक पॉइंट है। बी सेल्फ एम्प्लॉयड से मतलब ये है कि आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो काम कर सकते हैं। बहुत से लोग जो है वो अपना ऑनलाइन काम या इस तरह की चीजें जो करते हैं, आई थिंक ये एक बड़ा पॉजिटिव इसमें भी है। कंटिन्यू लिविंग इन द यूके विद योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन, जो आप अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं इफ यूर ऑब्वियसली अगर वो एलिजिबल है। इसके अलावा जो है आप वॉलंटियर काम करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ट्रैवल अब्रॉड एंड रिटर्न इन द यूके, आप ग्रेजुएट वीजा के ऊपर बिल्कुल जिथे मर्जी जाओ, जिथे तो मना दें जहां का अगर आपके पास वीजा है, वरना बैक होम तो आप जाके वापस आ ही सकते हैं जी। सो आप क्या नहीं कर सकते हैं ऑन अ ग्रेजुएट वीजा। आपके जो मर्जी हालात खराब हैं, मुश्किल का शिकार हैं, जो भी आप फाइनेंशियल दिक्कत है, जॉब है नहीं है, जो भी है, लेकिन आप जो है वो जो पब्लिक बेनिफिट्स हैं वो क्लेम नहीं कर सकते हैं जी। और इसके अलावा वर्क एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो नहीं कर सकते हैं, बाकी थोड़ा जो दिल कर दे जी करें। अच्छा, उसके बाद आ गया जी स्टडी विद अ ग्रेजुएट वीजा जो है उसकी मैंने आपको इनिशियल स्टेज के ऊपर आपको दे दी के क्या है, स्टूडेंट हैं आप और उसके बाद जो है आप ग्रेजुएट वीजा पे जाएंगे, ग्रेजुएट वीजा से आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे जाएंगे, बच्चे हैं फैमिली के साथ है ऑब्वियसली वो भी सेम ग्रेजुएट वीजा पे, और उसके बाद जो है आप के साथ ही जो है वो स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर आप जा सकते हैं। ये थी जी आज की वीडियो आपके साथ शेयर की, मुझसे मिलना चाहें यू आर मोस्ट वेलकम, उनकी कई लुडियां पा के आओ, मैंने मिलन आओ, जफियां पाओ, जिमें भी आना है थोड़ी मर्जी है, नहीं आना आजकल तो ये वीडियो का जमाना है जी, ऑनलाइन जमाना है और ज्यादातर जो है वो फोन कॉल्स और उसके ऊपर होता है। मैं समझता हूँ कि ये शायद ये एक बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं, एंड इफ यू नीड अ लीगल एडवाइस यू कैन बुक योर कंसल्टेशन, ऑब्वियसली हम फीस चार्ज करते हैं जी, एंड देन यू कैन गो अहेड और आई कैन अश्योर यू यू आर इन अ सेफ हैंड। दुआ में याद रखिएगा जी, ठीक है, बाय फॉर।